स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लीजिए, जो वादा था वादे के मुताबिक हम पहुंच गए हैं लॉर्ड्स स्पोर्ट्स तक, पहुंच गए लॉर्ड्स के मैदान में। ये है वो हिस्टोरिक ऐतिहासिक पेविलियन, और अगर आप इसके राइट साइड पर देखें तो वो पेविलियन जहां पर कपिल देव के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी 25 जून 1983, और अब लोग कह रहे हैं कि 14 जुलाई 2019 विराट कोहली के हाथ में क्या इसी मैदान पर वो ट्रॉफी होगी। खैर, दो बातें हैं, एक तो ये है कि होम ऑफ क्रिकेट, मक्का ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में रविवार 3:30 बजे से सलाम क्रिकेट का ये अध्याय, छठा एडिशन, जो सबसे बड़ा होने वाला है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन, शेन वॉन, वसीम अकरम, माइकल क्लार्क, यूनिस खान, मिसबाह हक, नासिर हुसैन, ये बड़े बड़े दिग्गज इकट्ठे होंगे, और वो इसी मैदान आपको लाइव मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। आपको स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करके रखिए, और उसके अलावा वर्ल्ड कप में भी जो कवरेज है आपको स्पोर्ट्स तक के जरिए मिलती रहेगी, क्योंकि अगर इन मैदानों में भारत की टीम को अच्छा करना है तो हर फैन को खुशी मिलेगी। अब देखें, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा ये खाली मैदान नहीं मिलेंगे आपको, हर तरफ जर्सी दिखेगी, और बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स तक इस सफ़र में सबके साथ रहेगा। तो अगर आप किसी वजह से इंग्लैंड नहीं हैं इस सफ़र में, आइए नहीं आ सकते, तो फिर स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको सारी लाइव एक्सक्लूसिव कवरेज और जितने एक्सपर्ट्स हैं उन सबसे बात करने का मौका स्पोर्ट्स तक पर ही मिलना है। अंदाजा लगाइए कि सचिन तेंदुलकर इस मैदान में बैठे हैं और वहाँ से आपका सवाल आता है और आपका नाम लेकर वो जवाब देते हैं। स्पोर्ट्स तक के साथ सचिन तेंदुलकर रहेंगे, सुनील गावस्कर रहेंगे, हरभजन सिंह रहेंगे, और माइकल क्लार्क भी रहेंगे इंग्लैंड से, और मदन जी और मोहम्मद अजहरुद्दीन आपको मिलेंगे दिल्ली से। तो ये है वर्ल्ड कप की पूरी कवरेज का प्लान, और भारत को फेवरेट कहा जा रहा है, इंग्लैंड को सबसे बड़ा फेवरेट कहा जा रहा है, और लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि 14 जुलाई को हो ना हो इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हो, जो कि मुमकिन है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा ये ना भूलें कि न्यूजीलैंड इन कंडीशंस में अच्छा करता है, साउथ अफ्रीका को अब रूल आउट नहीं कर सकते, जिस तरह का शुरुआत वेस्ट इंडीज़ ने की है, पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, आप वेस्ट इंडीज़ को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान तो अनप्रेडिक्टेबल है ही। लेकिन अगर अभी भी मेरे से आप टॉप चार टीमें पूछें तो मैं कहूँगा इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और चौथी टीम मैं साउथ अफ्रीका को रखूँगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में उल्टा फुल्टा कुछ भी हो सकता है और होता रहेगा। उम्मीद यही है कि भारत के बल्लेबाज रन बनाएं, क्योंकि अचानक से आप देखें मौसम भी बदल गया है। मौसम बदलने का मतलब है कि अचानक से 2-3 दिन से यहाँ पर धूप निकली है, मौसम थोड़ा वार्म हो गया है, और जैसे ही मौसम बदले वार्म होता है तो फिर भारत के बल्लेबाजों को फ़ायदा होगा, भारत के स्पिनर्स को फ़ायदा होगा, और गेंद इतना स्विंग नहीं होगा, इतना सीम नहीं होगा, और भारत की जो ताकत है सलामी जोड़ी, अगर वो ताकत के तौर पर बनी रहे तो ही भारत यहाँ पर अच्छा कर सकता है। इन मैदानों में जैसे ही मौसम बदला है आप देखेंगे 300, 325, 350 रन बनने दोबारा से शुरू होंगे, और भारत तभी इतने रन बना सकता है अगर रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली ऊपर से रन बनाए, और अगर ये धूप इसी तरह से रही तो फिर भारत रन बनाएगा, हो ना हो ये इंडियन समर हो सकती है। आप स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, स्पोर्ट्स तक को छोड़िए मत, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं और मेरे सहयोगी बोरिया और साथ हिमांशु शर्मा, हम तीनों लेकर आएंगे आपके लिए एक्सक्लूसिव कवरेज इन्हीं मैदानों से।